बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं आपका मेज़बान सलमान चौधरी। मैं इस वक्त पीपी 224 के फाते पीर आमिर इकबाल शाह साहब के साथ हूं। आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा प्लीज़ आप बताएं, 224 जीत गए हैं सर, सुल्तान है, क्या कहेंगे? अल्लाह का शुक्र है, बड़ी मेहरबानी की आज इमरान खान का बयान या जीता है, पीटीआई जीतिया, पीटीआई के बरकर दुनिया को मैं सबका शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह पाक का शुक्रगुजार हूँ, दुनिया भर के आवाम का शुक्रगुजार हूँ, सारे दोस्तों का मेरे साथ कंपेन में जिन्होंने भरपूर तरीके से हिस्सा लिया, मैं सबका शुक्र हूँ। आपके खिलाफ पूरी हुकूमत की मुहिम गुजरा, जहांगीर खान तरीन का पूरा ग्रुप और वो तमाम एमपीए जिन्होंने पार्टी के खिलाफ जाके वोट दिया और डिस्कालीफाई किया, वो सब आपके मुकाबले में थे, बातें फिर भी आप हैं, आवाम की मोहब्बत आपको मिली, आवाम के लिए क्या कहते हैं? मैं सारी जिंदगी उनकी खिदमत करी, जी बिल्कुल, ये थे पीर आमिर इकबाल शाह। मेरे साथ जो है वो मलिक आसिफ अवान, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो भी मौजूद है। मलिक साहब, कमाल की जीत जी, और पूरे पंजाब में 85% वोट पीटीआई, पीपी 224 में खास मोहब्बत आपका, क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सर, हमारे पास अल्फाज नहीं है, हमारे दिल, हमारे जबाने, हमारे सर शुक्राने से झुके हुए हैं, अल्लाह की ज़ात बड़ी है। आज बड़े बड़े फिरौन, बड़े बड़े पुर्ज उलट गए, बड़े बड़े वो लोग जिनको यहाँ अपने खुदा, जिनको खुदाई दावे थे, अल्लाह ताला ने आवाम के हाथों, आम लोगों के हाथों उनको शिकस्त दी। इमरान खान का बयानिया जीता, हकीकी आज़ादी का सफ़र शुरू हो गया। इस इलेक्शन ने, इस जीत ने एक नई जीत की सिमत मुतय्यन कर दी है, और वो नई जीत है, हम कोई ग़ुलाम तो नहीं, हमने सर उठा के जीना है, हमने इंशाल्लाह नया पाकिस्तान बनाना है, अपने बच्चों को एक ऐसा पाकिस्तान हमने इंशाल्लाह दे के जाना है जिसमें इंसानियत, इंसाफ और खुददारी होगी। और हम लोग आंखों में आंखें डाल के अमेरिका और बड़े सहूनियों के खिलाफ हम लोग जियेंगे, मुल्क तरक्की करेगा और इंशाल्लाह खल के खुदा राज करेगा। जी बिल्कुल, मेरे साथ जो है वो इस वक्त पीटीआई के रहनुमा ताहिर खान मलेज़ई लाली खान भी मौजूद है। ताहिर भाई, जीत कैसी महसूस करें? अल्लाह का करम है, और मैं समझता हूँ कि ये ना तो इमरान खान की जीत है, ना आमिर इकबाल की जीत है, वाह खुदा ये इस बात की जीत है कि हमने गुलाम नहीं रहना, हमने एक आज़ाद कौम के तौर पे ज़िंदा रहना है, हमने एक आज़ाद मुमलिकत बनानी है। ये अवाम की जीत है, इमरान खान के कहने की जीत है। मैं इमरान खान साहब को, उनकी पूरी टीम को, आमिर इकबाल शाह साहब को, यहाँ के अवाम को और ख़ास तौर पर उन वर्कर्स को मैं मुबारक पेश करता हूँ कि जिन्होंने आज वो काम करके दिखाया है जो शायद तारीख में लिखा जाएगा। बहुत शुक्रिया भाई, पहले भी आपसे बात हो रही है कि जहांगीर खान तरीन जो पंजाब की सियासत में एक गुर्ज माने जाते हैं, इन्होंने लोटों की परवरिश कहना चाहिए कि लोटे पैदा किए, और आज वो तमाम हार गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों से, क्या पैगाम? देखिए सलमान भाई, मैं ये समझता हूँ कि आज के जो नतीजे हैं उन्होंने इस बात की नफी की है कि जो करप्शन है, जो नोटा साजी है, जो पैसे की सियासत है, आज के नतीजे ने इस बात की नफी की है। अवाम ने ये बात मनवाई है कि हम हक और सच के साथ हैं, वो इमरान खान के साथ हैं, वो एक नए पाकिस्तान के साथ हैं, ऐसे पाकिस्तान के साथ हैं जो आने वाले वक्तों में रोज़गार भी देगा, तालीम भी देगा, और इंशाल्लाह हमारे जो बच्चे हैं वो पाकिस्तान के अलावा बाकी यूरोप, अमेरिका के बच्चों के साथ कम्पीट करेंगे, इंशाल्लाह ताला आने वाला वक्त पाकिस्तान के कामयाब रोशन पाकिस्तान का वक्त, इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के रोशन वक्त का आगाज़ हो गया है, और इसके साथ मुझे इजाज़त दें, पाकिस्तान जिंदाबाद।